सो फाइनली दोस्तों हीरो अपने हंटर 125 को ओल्ड क्लासिक लुक के साथ जो है काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे जो है हमारे इंडियन टूलर मार्केट पे लॉन्च करने वाली है, जिसके बारे में भाई आज के इस वीडियो पर जो है हम लोग कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे कि इस बाइक को दोस्तों कब तक हमारे इंडियन मार्केट पे लॉन्च कर दिया जाएगा, अगर लॉन्च किया जाएगा तो इसकी प्राइसिंग क्या रहेगी, बाइक में फीचर्स क्या मिलेंगे, इंजन क्या रहेगा, माइलेज वगैरह, उन सभी चीज़ों के बारे में भाई आज के इस वीडियो पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आप लोग को बाइक से रिलेटेड ऐसे ही काफी सारे वीडियोस की इंफॉर्मेशन देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले अगर हम लोग इस बाइक के लुक्स के बारे में बात करें तो बाइक का लुक्स वगैरह तो दोस्तों आप लोग देख ही रहे हैं, जो कि नॉर्मल जो एक डेली कम्यूटिंग बाइक आती है और जो पुराने ज़माने में बाइक आती थी उसी के तरह आप लोग को इसका लुक्स वगैरह देखने को मिलेगा। आपका क्या ओपिनियन है इसके लुक्स के मैटर में, नीचे कमेंट बॉक्स पर अपना ओपिनियन जरूर लिखिएगा। बाकी यहाँ पर फीचर्स के बारे में बात करी जाए तो इस बाइक पर दोस्तों आप लोग को कुछ खास फीचर्स तो नहीं मिलेंगे, बट फिर भी दोस्तों आप लोग को इस पर जो है कम्प्लीट हेलोजन लाइटिंग सेटअप मिलेगा। इसके अलावा भाई बाइक पर जो है आप लोग को कम्प्लीट एनालॉग का ही मीटर कंसोल देखने को मिलेगा, जिस पे कि भाई नॉर्मल सी बेसिक इन्फॉर्मेशन ही आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा भाई आप लोग को इस बाइक पे यूएसबी चार्जिंग पॉइंट दिया जाएगा, जिससे आप लोग अपने फ़ोन वगैरह को चार्ज कर पाएंगे। और इसके अलावा भाई इस पे जो है आप लोग को CBS यानी कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। और हाँ दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस बाइक पर कोई भी आप लोग को डिस्क ब्रेक का जो है ऑप्शन देखने को नहीं मिलने वाला है। लेकिन हाँ दोस्तों आप लोग को इस बाइक पर जो है ट्यूबलेस टायर, अलॉय व्हील और साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर जैसे काफ़ी सारे फीचर्स तो मिलेंगे ही। बाकी दोस्तों यहाँ पर अगर बात करी जाए इंजन के बारे में तो इस बाइक पर दोस्तों आप लोग को काफ़ी मतलब कि एक डिफरेंट सा जो है 125cc सेगमेंट की इंजन दी गई है, जो कि हमारे इंडियन मार्केट पे जो ग्लैमर और जो सुपर स्प्लेंडर पे जो इंजन आती है भाई, वो इंजन इस पे जो है यूज नहीं किया गया। इसमें आप लोग को एक अलग इंजन दिया जा रहा है, जो कि भाई लगभग जो है 124.7cc का इंजन है, जिसपे कि गाइस लगभग आप लोग को 9 BHP के आसपास में पावर देखने को मिलेगी और इस पे जो आप लोग को 10.35 Nm तक का जो है टॉर्क देखने को मिलेगा। जो कि ये जो बाइक है भाई लगभग जो है 5-speed गियरबॉक्स के सेटअप के साथ आती है, जिसपे भाई आप लोग को सेल्फ स्टार्ट के साथ किक स्टार्ट भी दी गई है। माइलेज के बारे में बात करी जाए तो वही लगभग जो आप लोग को 60 से 65 के बीच में जो है इजीली आप लोग को इस बाइक से माइलेज देखने को मिलती है। प्राइसिंग के बारे में बात करी जाए तो लगभग दोस्तों आप लोग को 85,000 रुपए से लेकर जो है 90,000 रुपए के अंडर में ही आप लोग को इस बाइक का ऑन रोड प्राइसिंग देखने को मिलेगा, जो कि देखा जाए भाई तो अदर 125cc सेगमेंट की बाइक्स के मुकाबले इस बाइक का जो प्राइस है वो काफी कम रखा गया है। इसके अलावा भाई अगर लॉन्च के बारे में बात करी जाए तो इस बाइक को तो दोस्तों अभी जो है हीरो कंपनी हमारे इंडिया के बाहर यानी कि इंटरनेशनल मार्केट पे सेल कर रही है, जो कि अभी हमारे इंडियन मार्केट पे जो है इस बाइक को लॉन्च करने का जो है हीरो कंपनी का वैसे कुछ प्लान वगैरह नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोग बताइए कि क्या आपके हिसाब से इस बाइक को जो है इंडियन मार्केट पे आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए। आपका जो भी ओपिनियन है इस बाइक को लेकर नीचे कमेंट बॉक्स पे भाई अपना ओपिनियन जरूर लिखिएगा। और इस वीडियो को भी गाइस जब हम लोग फिलहाल एंड करते हैं तो आई होप आप लोग को ये जो वीडियो है ये आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आप लोग को बाइक से रिलेटेड ऐसे ही काफी सारे वीडियोस की इंफॉर्मेशन देखने को मिलेंगी। तो इस वीडियो में गाइस फिलहाल इतना ही है, तब तक के लिए भाई जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइड सेफ।